हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं हूँ समीर, आप देख रहे हो जे के एल एक्स व्लॉग्स चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरी करें, और हाँ, इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी हम हैं द्रास में, द्रास से निकल रहे हैं कर की तरफ, देखते हैं क्या क्या होता है आगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो भाई फ़िलहाल अभी रोका हुआ है, बत्रा कैंप है इस जगह का नाम। द्रास से आगे आता है ये, तो यहाँ कानवाई निकल रही है श्रीनगर की तरफ आर्मी की, इसलिए रोका गया है हम लोगों को। कानवाई निकलेगी तो हम लोग भी पीछे पीछे निकल जाएंगे। तो भाई फिलहाल हम लोगों को छोड़ा है यहाँ से, क्योंकि कानवाई जो है क्रॉस हो गई, वो देखो आगे आगे निकल रही है, अब उनके पीछे पीछे हम लोग निकलेंगे। तो चलो मिलेंगे आप लोगों से आगे। चल रहे हैं कानवाई के पीछे पीछे, अभी ये देखो इनमें तोपे भरी हुई है आर्मी। मिनीमार्क चेक पोस्ट पे पहुंच गए, अभी यहाँ से छोड़ रहे हैं गाड़ियों को। अभी तो लगभग आधी कानवाई आगे है, आधी तो हमने पीछे छोड़ दी। वही चल रहे हैं आराम आराम से, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा जाना भी नहीं है घर तक। चलेंगे घर, फिर देखेंगे लोड आज करेंगे या कल। नई स्नोफॉल हुई है कल रात को पहाड़ों पे थोड़ी बहुत, तो ज़रा देख लो आप भाई साहब, भाई बर्फ़ का तो अलग ही सीन है भाई, क्या खूबसूरती है बर्फ़ की, पहाड़ पे जैसे चादर लगी हो। आप भी देख लो भाई, ये देख लो, ये पूरी आज की बर्फ है जो आज रात को गिरी है। और टैंकर वाला क्या चल रहा है भाई। जोजिला इंडिया गेट, तो पहुंच गए अभी जोजिला इंडिया गेट पे। तो यहाँ से थोड़ा आगे जोजिला है, मतलब आगे अपना कश्मीर। कश्मीर तो स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो लगता है कि कश्मीर में पहुँच गए, क्योंकि आगे अब आपको हरियाली हरियाली दिखेगी, उससे लगता है कि, और हवाएं यहाँ की अलग ही है। तो भाई अभी चलेंगे घर आराम आराम से घर तक, फिर देखेंगे कब करेंगे लोड, क्या पता हो सकता है आज ही करें, हो सकता है कल, कुछ भी हो सकता है। तो चलो मिलेंगे आप लोगों से। आज जो है जाम ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। सुबह के 5:30-6 बजे निकले हैं, तो मिनीमर्ग से लगभग 6:15 निकले हैं, और अभी 10:30 हो गए, अभी भी सोनमर्ग में ही है, और यहाँ अलग से जाम। अभी तक तो
भेड़ बकरी वालों ने इतना परेशान किया, इतना जाम हो गया उनकी वजह से। अब इधर वो क्या कम था, अभी और जाम लगना था इधर। भाई देखो बाईपास से जाते, बाईपास ऑलरेडी जाम है, क्या करे बोलो भाई, खत्म खत्म पूरा। देखो ये, देखो ये है बाईपास, बाईपास में पता नहीं ट्रिपल लाइन लगी है। डबल को तो छोड़ो, डबल को तो छोड़ ही दो बाबू। मुन्ना मुन्ना क्यों हो क्या, आज जाम में चल चल के खत्म हो गए भाई। 11:30 हो गए, अभी तक गंजवा नहीं पहुंचे है। अभी तो बहुत जाना है, बहुत मतलब पहुंच गए अभी 10 किलोमीटर जाना है घर तक। लेकिन भाई जाम कितना है, आर्मी कानवाई कितनी है, 3-4 आर्मी कानवाई तो अभी तक चली गई, अभी ये 5वीं है, ऊपर से टूरिस्ट, जाम तो बहुत ही सारा है। पहुंच गए अभी वसंत, तो यहाँ पे अभी सरिया लोड हो रहा है, क्योंकि सरिया पहले लोड होते हैं यहाँ पे, सरिया के बाद हमारा नंबर आएगा। फिलहाल के लिए डालेंगे तेल वेल गाड़ी में, फिर मिलेंगे आपसे। तो भाई अभी भी जो है हम वसंत में रुके हुए हैं, क्योंकि भाई अभी जो है सरिया ख़त्म हो गया लोड होके, तो अब इसके बाद अब गाड़ियाँ लगेगी सीमेंट के लिए, तो हमारा लोड लगभग 8-7:30 बजे हो जाएगा, तो मिलेंगे आपसे उसी टाइम। तो फ्रेंड्स कल जो है लोड नहीं हुआ था, क्योंकि व्यापारी ने बोला आपको ब्रिज भरना है कल सुबह, तो अब आए हैं इधर, अभी भरेंगे माल फिर निकलेंगे यहाँ से, मिलेंगे आपसे तभी। तो फ्रेंड्स प्लान जो है इनका चेंज हो गया है, अभी मुझे सीमेंट नहीं भरना है, अभी सरिया भरना है और सुबह गाड़ी लगानी है, क्योंकि 8 में वहाँ पे नहीं है, तो भी भरेंगे सरिया वरिया निकलेंगे यहाँ से फिर। अभी जो है हम सोनमर्ग पहुंच चुके हैं भाई, जाम इतना था कि पूछो मत, 3.5 घंटे से 8 किलोमीटर निकल गया टोटल, इतना जाम था। तो अभी करेंगे कांटा शांटा, फिर मिलेंगे आप लोगों से आगे। निकल गए अभी कांटा करके, और अभी ट्रैफिक पॉइंट पे रुकना है, वहाँ पे लिखना है नंबर शंबर, देखो क्यों लिखते हैं वहाँ पे नंबर, तो कभी खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है कहीं खतरनाक जगह पे, तो ये लोग देखते हैं यहीं पे कि इस गाड़ी में कितने बंदे सवार थे, क्या थे, उतने ही बंदों को उधर ढूंढते भी है, इसलिए नंबर शंबर लिखना ज़रूरी होता है इधर। तो अभी हम लोगों को जो है सब्जी की तरह रात को चलना है पूरा, क्योंकि दुकान पे 8 mm सरिया कुछ नहीं है, इसलिए हमें बड़ा माल बोला आपको वन डे करना है, और इनाम भी है इसमें 1000 सुबह पहुँचाने को गाड़ी, तो अगर हम सुबह गाड़ी लेके पहुंच गए तो हमें 1000 इनाम मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, कहां नहीं फिलहाल। तो भाई निकल चुके हैं अभी ट्रैफिक पॉइंट से, नंबर तो लिखा लिया अभी, और यहां पे कांटा पर्ची भी चेक होती है, क्या पता कोई गाड़ी कांटे के बगैर मत आई हो सोनमर्ग से, इसलिए। तो अभी चलेंगे आगे आगे, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे आज, कहाँ नहीं, आपको भी दिखाते हैं आगे का व्यू। पहुंच गए अभी सोचिला, तो ये ऊपर से रहा सोचिला और नीचे बालतल, बालतल में तो अभी कोई नहीं है, बस यही कुछ दिन रह गए, फिर देखो बालतल में पैर रखने की जगह नहीं होती है। सोजला से चढ़ रहे हैं, आज पूरी रात चलना है, तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे करेंगे एंड, मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरी करें, और हाँ इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भाई मिलेंगे आप लोगों से अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।